नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर्ण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए एक नजर डालते हैं कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म बारहवीं फेल की सफलता का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों ने विक्रांत की फिल्म और अभिनय की काफी तारीफ की। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उनकी सराहना की। अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने विक्रांत की तुलना दिवंगत अभिनेता इरफान खान से कर दी है। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर विक्रांत मैसी और उनकी फिल्म बारहवीं फेल की तारीफ करते हुए लिखा, क्या शानदार फिल्म है। मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ और एक ग्रामीण गांव से हूँ और अपने स्कूल के सालों में बिना आरक्षण के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल कास्ट की छात्रा होने के नाते मैं पूरी फिल्म में रो रही थी। दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री रही है। वहीं उनकी बड़ी बेटी काजोल भी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। लेकिन उनकी छोटी बेटी तनिषा मुखर्जी बी टाउन में वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जो उन्हें और काजोल को मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। साल 2005 में उन्हें यशराज फिल्म प्रोडक्शन की नील एंड निकी में उदय चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका नहीं मिली थी। अब एक इंटरव्यू में तनिषा ने खुलासा किया कि उनकी बड़ी बहन काजोल ने आज तक इस फिल्म को नहीं देखा है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत के दौरान तनिषा मुखर्जी ने नील एंड निकी में ऑन स्क्रीन किसिंग के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म में काफ़ी किसिंग सीन को दिखाया गया है, जिसकी वजह से उनकी बहन काजोल आज भी इसे देखने से परहेज करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज उन्हें फिल्म की पेशकश की जाती तो युवा दिमाग पर इसके प्रभाव को देखते हुए वो इसे अलग तरीके से देखती। उस समय उन्होंने इस पर गहराई से विचार नहीं किया। बिग बॉस के घर में आने के बाद से अंकिता लोखंडे और विक्की जैन सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। दोनों आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। इस बार अंकिता और विक्की के बीच मनारा चोपड़ा को लेकर के लड़ाई हुई है, जिसके बाद से शो में विक्की अपनी माँ की बात रिपीट करते हुए नजर आए। विक्की का इस बारे में बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिग बॉस का नया प्रोमो आया है, जिसमें अंकिता विक्की से लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो मनात्रा के साथ टाइम बिता रहे हैं। विक्की मनात्रा से पूछते हैं कि तुमने रात को खाना क्यों नहीं खाया था, और बहुत दुखी लग रही थी। अंकिता ये सब दूर खड़े होकर देखती रहती है और उसके बाद गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अंकिता के बाहर जाते ही विक्की अपना नाश्ते का बाउल लेकर उनके पीछे चले जाते हैं। अंकिता विक्की के पास एक टेबल पर बैठ जाती है और कहती हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि वो मनात्रा के साथ बैठे। हालांकि विक्की कहते हैं कि उन्हें मनात्रा से दिक्कत है। विक्की कहते हैं तू अपना दिन भर मुन्ना के साथ बैठकर खाना खाती है, चाय पीती है, मैं तेरे को कुछ बोलता हूँ। अंकिता इसके जवाब में कहती है मैं पूरे दिन उसके साथ नहीं बैठती हूँ। अंकिता विक्की से कहती है तू ज़्यादातर मनात्रा के साथ ही रहता है। वो इसके जवाब में कहते हैं हाँ तो जाऊँगा, क्या गलत है उसमें। बॉलीवुड की मौजूदा टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण आज 38 साल की हो चुकी है। कभी बचपन में लिवाइस की एक जीन्स खरीदने का सपना देखने वाली दीपिका आज उसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। 16 साल के एक्टिंग करियर में 39 फिल्में कर 52 बड़े अवार्ड अपने नाम करने वाली दीपिका हर नई फिल्म के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाती है। चाहे वो गोलियों की रासलीला रामलीला की टाइटल कॉन्ट्रोवर्सी हो, पद्मावत को लेकर नाक काटने पर इनाम रखने की कॉन्ट्रोवर्सी हो, या फिर पठान से जुड़ी भगवा बिकनी, बड़े विवादों के बाद दीपिका की ये तीनों ही फिल्में ब्लॉकबास्टर साबित हुई। हालांकि साल 2019 में दीपिका के जेएनयू विजिट का सीधा असर उनकी फिल्म छपाक पर पड़ा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऊंधे मुंह गिर गई। कई उतार चढ़ाव के बाद दीपिका ने इंडस्ट्री में 16 कामयाब साल पूरे कर लिए हैं और 52 अवार्ड अपने नाम कर लिया है। साल 2023 में दीपिका दो ब्लॉकबास्टर फिल्म जवान और पठान से करीब 2200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली इकलौती एक्ट्रेस रही। मनोज वाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने राजनीतिक सफर को लेकर के भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई कि साल 2024 में हिंदी सिनेमा के मंझे हुए कलाकार मनोज वाजपेयी राजनीति ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई थी कि मनोज वाजपेयी बिहार से साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब चुनाव लड़ने की अफवाहों के बीच मनोज वाजपेयी ने खुद इस अफवाह के पीछे की पूरी सच्चाई बता दी है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म्स पर यह अफवाह उड़ रही थी
कि मनोज वाजपेयी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब खुद सत्या एक्टर ने इस अफवाह पर पूर्ण विराम लगाते हुए पूरी सच्चाई बता दी है। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।